My dear students, today we are going to discuss about very important English grammar chapter, which name is tense. We have already discussed about tenses in part 1. This is part 2. पार्ट वन में हमने तीनों टेंसेज का अध्ययन किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. बट हियर एट दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग ओनली प्रेजेंट टेंस. देयर आर द फोर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं. इज सिंपल प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट. अर्थात सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है. As you know, S plus V, 1 plus O. S means subject, V1, verb first and object. Karta, Kriya and Karam. जैसा कि हम देखते हैं कि simple present में first form का प्रयोग करते हैं. It has help, 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 first form. आप सब बच्चों ने ये बात याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का ही, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसका ही प्रयोग करते हैं. फर्स्ट पार्ट में, इट इज पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट में हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था, सकारात्मक सेंटेंसेस का अध्ययन किया था. But today we are discussing about affirmative sentences and negative sentences and interrogative sentences. So, आज हम सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक सभी वाक्यों का अध्ययन करेंगे. तो जैसा आप देखते हैं, I help him, मैं उसकी सहायता करता हूँ. He helps me, वह में मेरी सहायता करता है. हिज फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. बट वी हैव पुट हियर एस, हमने इसमें एस लगा दिया है. सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है. टीचेज, टीच पढ़ाना, इसमें ईएस का प्रयोग हुआ. यहाँ एस लगाया, हमने यहाँ ईएस लगाया, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, अर्थात ही, सी, इट, या कोई नेम है, कोई नाम है किसी का, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं. एस या ईएस. ईएस कहाँ लगता है? जिस वर्ब के पीछे सी एच, एच, ओ, एक्स, एस या डबल एस हो. जिस वर्ब के पीछे एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एक्स, एस ये वर्ड आ जाए, तो हम ईएस लगाते हैं, नहीं तो हम एस का प्रयोग करते हैं. कब करते हैं एस या ईएस का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ? जब सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, अर्थात ही, सी, इट या किसी का नाम हो, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं. जैसे यहाँ ये आई है, सिंगुलर तो है लेकिन ही या सी नहीं है, तो इसलिए आई के साथ केवल हमने हेल्प लगाया, हेल्प्स नहीं लिखा हमने. लेकिन यहाँ जब ही लगाते हैं, सी लगाते हैं, तो यहाँ हेल्प्स और यहाँ टीच के साथ टीचिज हो जाएगा. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. हेल्प, आई हेल्प हिम, ही हेल्प्स मी, सी टीचिज मी. दी सेंटेंसेज आर अफर्मेटिव. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है.
अब नकारात्मक सेंटेंस अर्थात नेगेटिव की बात हम करते हैं। आई डू नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ। ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब यहाँ आई है तो डू नॉट लगाते हैं हम, और ही है तो डज नॉट। इसी प्रकार ही है या सी है, सी के साथ भी डज नॉट लगता है, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू आई हेल्प हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पीछे इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर देखेंगे हम, क्योंकि डू सबसे पहले हमने लगाया है इसमें। डू आई हेल्प हिम, क्या मैं उसकी सहायता करता हूँ। डज ही हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करता है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ डज का प्रयोग हुआ है, यह सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ डू का प्रयोग हुआ है। डू आई नॉट हेल्प हिम, क्या मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क भी है और नेगेटिव, दोनों सेंटेंस ये मिले हुए हैं। इसमें हमने नॉट का प्रयोग भी किया है और डू नॉट लगाने की बजाय हमने डू आई नॉट लगाया है। डू सबसे पहले, उसके बाद आई, फिर नॉट, फिर हेल्प हिम, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया हमने। क्या मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ। शी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती है। तो यह हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है क्योंकि सी सब्जेक्ट है। सी डज नॉट, यहाँ डज नॉट का प्रयोग किया हमने सी के साथ। सी डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करती है। डज ही नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता नहीं करता है। तो यहाँ नॉट लग गया। तो आप सभी समझते हैं कि जिसमें ता है, ती है, ताहू, ये पहचान हिंदी में हम सिंपल प्रेजेंट की देख रहे हैं और इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज सबसे पहले लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम इसमें देखते हैं कि इसमें एम इज आर का प्रयोग हम इसमें करते हैं। आई के साथ एम, ई के साथ इज, ई के साथ इज, सी के साथ इज का प्रयोग करते हैं और दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसमें पहचान है इसकी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हम इसमें लगाएंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें सिंपल प्रेजेंट में हमने केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। आई एम हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। इज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रहा है। आई एम नॉट हेल्प, यहाँ नॉट लग गया देखो नेगेटिव सेंटेंस में। आई एम नॉट हेल्पिंग हिम, मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। ही इज नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। ही के साथ इज, उसके बाद नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस में। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखो, क्योंकि एम सबसे पहले आ गया। आई, यहाँ पर आई एम था देखो, यहाँ आई एम, हेयर इज एम आई हेल्पिंग हिम क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। इज ही हेल्पिंग मी, क्या वह मेरी सहायता कर रहा है। एम आई नॉट हेल्पिंग हिम, अब इसमें एम भी है और नॉट भी है, यानी ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। एम आई नॉट, मैं, क्या मैं उसकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। दे आर नॉट, यहाँ दे के साथ आर लगाएंगे हम, वी के साथ वी, यानी प्लूरल, जो वर्ड प्लूरल है, प्लूरल यदि सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर है यानी ही है या सी है या इट है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। दे आर हेल्पिंग अस, वे हमारी सहायता कर रहे हैं। वी आर नॉट हेल्पिंग देम, हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। आर वी हेल्पिंग देम, क्या हम उनकी सहायता कर रहे हैं। देखो यहाँ सब्जेक्ट वी है और सब्जेक्ट वी के साथ हमने आर सबसे पहले लगा दिया क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इधर भी क्योंकि एम सबसे पहले हुआ है, और इसकी हिंदी में पहचान क्या हुई, रहा है, रहे हैं, रही हूँ। इसमें पहचान थी हिंदी में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, और इसमें पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हैव और हैज का प्रयोग हम करेंगे। आप बच्चों ने देखना है
कि इसमें हैव लगता है एज ए हेल्पिंग वर्ब और हैज और थर्ड फॉर्म, ठीक हैज किसके साथ, ही के साथ और सी के साथ, जब सब्जेक्ट सी है, इट है या नाम है किसी का, सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और हम इसको पढ़ेंगे आई हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता कर चुका हूँ, ही हैज हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता कर चुका है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता नहीं कर चुका हूँ, यानी मैंने उसकी सहायता नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, वह मेरी सहायता नहीं कर चुका है या उसने मेरी सहायता नहीं की है, हैव आई हेल्प्ड हिम, क्या मैंने उसकी सहायता की है, हैज ही हेल्प्ड मी, क्या उसने मेरी सहायता की है, दे हैव हेल्प्ड अस, दे का मतलब उन्होंने, अस हमारी सहायता की है, हैज मोहन, देखो मोहन के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया, हैव नहीं लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है, तो मोहन के साथ, सोहन के साथ किसी का नाम है तो हैज लगाएंगे, हेल्प थर्ड फॉर्म लगाएंगे और मी ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने क्योंकि हैज सबसे पहले आ गया इसमें, क्या मोहन ने मेरी सहायता की है या क्या मोहन मेरी सहायता कर चुका है, जब सी के साथ फिर हैज लगाएंगे हम, सी हैज नॉट हेल्प्ड हिम, वह उसकी सहायता नहीं कर चुकी है, हैज सी नॉट हेल्प्ड हिम, क्या उसने उसकी सहायता नहीं की है, तो आप बच्चे इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, ली है, तो इस प्रकार लिया है, चुका है, चुके हैं, ये इसकी हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान और प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान आप सब बच्चों ने देखा, रहा है, रहे हैं, रही है, और सिंपल प्रेजेंट की पहचान ता है, ते है, ती है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन लगाएंगे, पहली फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें देखो सी के साथ हैज बीन, दे के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन, दे के साथ हैव बीन और सी के साथ हैज और बीन, जैसे हम देखते हैं सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंस लगा हुआ है, सिंस और फोर का प्रयोग होता है, सिंस कोई निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस लगाते हैं निश्चित समय, मॉर्निंग एक निश्चित समय होता है सुबह से, हमें पता है कि निश्चित समय सुबह से है तो सिंस लगाया हमने, टू आवर्स ये पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, एज पॉइंट ऑफ टाइम, एज पीरियड ऑफ टाइम, ये एक लंबे समय ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फोर लगाया, एक निश्चित समय तो हम सिंस लगाएंगे, अब यहाँ इसमें सिंस और फोर का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस या फोर का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फोर का हम प्रयोग करते हैं, तो किसकी पहचान होती है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, जैसे हम पढ़ेंगे सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, वे दो घंटे से सो रहे हैं, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, क्या वह शाम से खेल रहा है, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1982, वे यहाँ 1982 से रह रहे हैं, ही हैज बीन हेल्पिंग मी फॉर 3 आवर्स, यहाँ 4 आ गया क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, नोट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि ये निश्चित समय 1982 दर्शा रहा है हमें, सिंस का प्रयोग हो गया, यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं है, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 3 आवर्स, तो यहाँ 4 का प्रयोग हो गया, ही हैज बीन हेल्पिंग मी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से मेरी सहायता कर रहा है, सी हैज नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, वह, अब इसमें नॉट का प्रयोग हो गया नेगेटिव सेंटेंस में, वह सुबह से मेरी सहायता नहीं कर रही है, हैज इसमें हैज या हैव जब सबसे पहले लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैज सी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल नहीं रही है, तो इस प्रकार आप सब बच्चों ने देखा कि टेंस का जो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में केवल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किए थे जिसमें नहीं वाले नेगेटिव सेंटेंस नहीं थे, लेकिन इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सभी सेंटेंसेस की दोहराई की है और हमने
पार्ट टू में केवल वन टेंस लिया है प्रेजेंट टेंस, हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नेक्स्ट पार्ट में इसकी डिस्कस करेंगे, आज हमने केवल प्रेजेंट टेंस की बात की है, क्योंकि आप सब अच्छे जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक के चार चार भाग होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इस प्रकार हमने कंपैरिजन भी किया है साथ में कि सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा हैज बीन लगेगा और हैव बीन लगेगा, हैज बीन सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, आई के साथ, सी के साथ, ही के साथ, आई के साथ हैव बीन लगेगा, ये हम देखेंगे आई के साथ हैव बीन लगेगा, हालांकि आई सिंगुलर है लेकिन हैव बीन लगेगा, लेकिन दे और बी के साथ प्लूरल के साथ हैव बीन, बाकी जो सिंगुलर है सी है इट है कोई नाम है उसके साथ हैज बीन और आई के साथ हैव बीन, तो इस प्रकार हम इसमें हैज बीन या हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आई एन जी लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, इसमें सिंस एक जो पॉइंट होता है निश्चित समय होता है सिंस लगाते हैं, और एक ड्यूरेशन होती है जैसे 2 आवर्स है, एक ड्यूरेशन है, ये पॉइंट नहीं है, ये निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आप सभी बच्चों ने देखा कि टेंसेज में जो 3 भाग होते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, आज हमने केवल प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स का डिस्कस किया है, यदि आप बच्चे इस प्रकार ध्यान से इसको पढ़ेंगे लिखेंगे और अपनी नोटबुक में उतार करके उसको बार बार डिस्कस करेंगे दोहराएंगे, तो प्रेजेंट टेंस की जो आपकी समस्या है उसको दूर करने में आप सक्षम होंगे, और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन टेंस मिलेगा आपने तुरंत पहचान लेना है कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है या डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट है, और जिसमें इज एम आर के साथ पहली फॉर्म प्लस आई एन जी लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज या हैव मिलेगी और थर्ड फॉर्म मिलेगी, आपने पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने देखना है कि हैज बीन और हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिलेगी और सिंस और फॉर्म का प्रयोग मिलेगा, तो इस प्रकार आप अपनी सीखने के स्तर को सुधार सकते हैं, और यदि आपको टेंस आने शुरू हो जाते हैं तो इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।